नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के पंजाबी साहित्य पर राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में किया जा रहा है आयोजित हरियाणा का पंजाबी साहित्य एक विश्लेषण विषय पर सेमिनार आयोजित। देश के विभिन्न कोनों से 200 प्रतिभागी ले रहे हैं भाग। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कायत ने दीप प्रज्वलित कर किया सेमिनार का शुभारंभ। पंजाबी साहित्य अकादमी पंचकुला के सहयोग से किया जा रहा है सेमिनार का आयोजन। और इसी के साथ देखिए आप पल पल की है खास रिपोर्ट। खिल उठी आज हम सबके मन की कली मंगलम स्वागत के राष्ट्रीय सेमिनार हरियाणा पंजाबी साहित्य एक विश्लेषण में बात पहला सरस्वती का आशीर्वाद लिया जा रहे हैं। भाषा कोई भी हो ये हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रयास है, क्योंकि इस इलाके में पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत है और पंजाबी जो लैंग्वेज है, संस्कृति है, वो बहुत महान संस्कृति है और पूरे पंजाब में इसका प्रचार प्रसार है। देश की रेनेसा में, देश के पूर्व जागरण में इसका योगदान है। तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाबी डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रयास है कि हम पंजाबी के नज़दीक जाएं, पंजाबी भाषा को सीखें। और हरियाणा के अंदर जो पंजाबी साहित्यकार हैं, उन्होंने जो इस भाषा के, इस संस्कृति के योगदान में काम किया है, उसका विश्लेषण हम लोग यहाँ कर रहे हैं आज। और पंजाब से, हरियाणा से, दूसरे इवन यूपी से बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ आए हुए हैं पंजाबी भाषा के। वो सभी इस विषय को लेकर के, हरियाणा के साहित्यकारों का पंजाबी में योगदान को लेकर के विश्लेषण करेंगे आज, मंथन करेंगे उसको। और ये हमारे विश्वविद्यालय की एक कंट्रीब्यूशन होगी, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।